सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रॉकेट प्रपल्सन यानी कि रॉकेट नोदन, और हम जानेंगे कि रॉकेट प्रपल्सन के सिद्धांत पे कार्य करता है। साथ ही हम रॉकेट के वेग के लिए, उसके त्वरण के लिए और उस पर लगने वाले थ्रस्ट यानी कि प्ररोध के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए समझते हैं रॉकेट प्रपल्सन यानी कि रॉकेट नोदन को। इससे पहले कि हम लोग गणितीय व्याख्याओं पर आए, हम समझ लेते हैं कि रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट नोदन या रॉकेट का प्रक्षेपण या रॉकेट प्रपल्सन संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। लास्ट लेक्चर में हमने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा है, और हम जानते हैं कि अगर किसी भी निकाय पर बाह्य बल न लग रहा हो, यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। किसी भी निकाय पर अगर बाहर से बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहेगा। यही है संवेग संरक्षण का नियम। और रॉकेट नोदन यानी कि रॉकेट प्रपल्सन संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए समझते हैं इस वीडियो की सहायता से। देखिए, यहां पर आपको समझना होगा कि ये रॉकेट है और इसके अंदर होता है कंबक्शन चेंबर, जिसके अंदर हम ईंधन को रखे हुए होते हैं यानी कि फ्यूल, और उस ईंधन को जलाया जाता है। ईंधन के जलने से बहुत ज्यादा मात्रा में गैसें उत्पन्न होती हैं, और अब यहां पर आता है टेक्निक। उन गैसों को नीचे जेट नली की सहायता से बहुत ही तीव्र वेग से निकाला जाता है। तो पहले हमने क्या किया है, कंबक्शन चेंबर में ईंधन को जलाया है। ईंधन के जलने से बहुत ही ज्यादा मात्रा में गैसें उत्पन्न होंगी, और उन गैसों को बहुत ही ज्यादा वेग से नीचे जो एक नोजल होता है उस नोजल की सहायता से नीचे निकाला जाता है, जैसे कि गैसों को नीचे की ओर बहुत ज्यादा बहुत अधिक संवेग प्राप्त हो जाता है। और अब समझिए जरा, यहां पर रिटर्न में भी है लिखा हुआ है, उसको समझते हैं। रॉकेट के दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है, इससे उत्पन्न गैसें रॉकेट के पीछे जेट नली से तीव्र वेग से बाहर निकलती हैं। गैसें नीचे की ओर निकलती हैं, वो पीछे जा चुका है। गैसों को पीछे की ओर प्राप्त अत्यधिक संवेग के कारण उतने ही परिमाण में रॉकेट को आगे की ओर संवेग प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अभी इस रॉकेट का संवेग जीरो है, टोटल जो मोमेंटम है वो जीरो है। तो जब गैसों को नीचे की ओर संवेग प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए अभी भी उस निकाय में दो चीजें हैं, एक रॉकेट है और एक गैस है। तो पहले अगर उस निकाय का संवेग जीरो था तो अभी भी इस निकाय का संवेग जीरो होना चाहिए, लेकिन उसमें से एक जो गैस है उसको नीचे की ओर संवेग प्राप्त हो गया है। तो अब जीरो होने के लिए यानी कि संवेग संरक्षण के नियम को सही होने के लिए रॉकेट को उतना ही संवेग ऊपर की ओर प्राप्त करना होगा, और यह होता भी है, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम प्रकृति का मूलभूत नियम है और किसी भी प्रक्रिया में इसका उल्लंघन नहीं होता है। तो यहां तक की तस्वीर क्लियर है, यहां तक का पिक्चर क्लियर है कि हमने कंबक्शन चेंबर के अंदर फ्यूल को जलाया है। फ्यूल को जलाने से यानी ईंधन को जलाया है, ईंधन को जलाने से बहुत ज्यादा मात्रा में गैसें उत्पन्न हुई हैं, जिसको हमने नीचे की ओर एक जेट नली की सहायता से बहुत तीव्र वेग से निकाला है, जिससे गैसों को बहुत ज्यादा संवेग प्राप्त हुआ है नीचे की ओर। और अब संवेग संरक्षण के नियम के हिसाब से रॉकेट को उतना ही संवेग ऊपर की ओर प्राप्त करना होगा, जो कि वो प्राप्त कर लेता है। और अब देखिए, इस रॉकेट के द्रव्यमान की बात करते हैं, और उसी रॉकेट में हमारा ईंधन भी है जो जल रहा है। तो ईंधन के जलने से, फ्यूल के जलने से रॉकेट का द्रव्यमान कम होता जाता है, और रॉकेट का द्रव्यमान कम होने से देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है A इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो अगर m का मान कम होता जाता है, क्योंकि रॉकेट के अंदर हम
ईंधन को जला रहे हैं, ईंधन घटता जाएगा तो रॉकेट का द्रव्यमान भी कम होता जाएगा, द्रव्यमान के कम होने से उसका त्वरण बढ़ता जाएगा और त्वरण बढ़ेगा यानी कि वेग भी बढ़ेगा। ओके, और अब देखिए यहाँ पर हम एक थोड़ा सा एक टेक्निक हम लेके चलते हैं, एक ट्रिक। ईंधन का जो दहन है इस प्रकार किया जाता है कि रॉकेट के सापेक्ष निकलने वाली गैसों का वेग नियत बना रहता है, यानी कि रॉकेट के सापेक्ष गैसें जिस वेग से निकल रही है नीचे उनको हम नियत रखते हैं। ऐसा हम ईंधन को एक नियत दर से जलाते हैं, एक नियत एक कांस्टेंट रेट से जलाते हैं फ्यूल्स को, जिसे कि नीचे की ओर जो गैसें निकल रही हैं उनका वेग नियत बना रहे। तो ये है रॉकेट प्रपल्सन का सिद्धांत। हमने बस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, रॉकेट साइंस इतना आसान नहीं है। हमने बस ये जाना है कि रॉकेट प्रपल्सन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये काम करता है संवेग संरक्षण के नियम पर। और कैसे काम करता है तो इसको हमने इस वीडियो में भी समझा है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। और अब चलते हैं इसके गणितीय व्याख्या की तरफ। चलिए चलिए मान लेते हैं कि एक क्षण है टी जीरो, समय टी जीरो, इस क्षण पर रॉकेट का कुल द्रव्यमान जिसमें कि ईंधन भी आ जाता है, इस क्षण पर रॉकेट का कुल द्रव्यमान एम नॉट है यानी एम जीरो है, और रॉकेट का जो वेग है ऊपर की ओर वो वी जीरो है। इसके बाद हम कुछ क्षण बाद की बात करेंगे, किसी भी क्षण की बात करते हैं। देखो ये इसको हम अपना प्रारंभिक समय मानते हैं, यहाँ से हमने रॉकेट का एक अध्ययन चालू किया है कि भाई रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, उसका वेग कितना है, तो इसको हमने बोल दिया चलो प्रारंभिक समय है। हम उस समय की बात नहीं कर रहे हैं अभी कि चलो रॉकेट अभी विराम में है, कोई वहाँ पर दहन नहीं हो रहा, रॉकेट का जो है रॉकेट के अंदर जो कम्बक्शन चेंबर है वहाँ पर किसी प्रकार का हमने अभी फायर नहीं किया है यानी कि आग नहीं लगाया है। देखिए ऐसा ही हम एक बता रहे हैं, बहुत जब हम लोग छोटे थे तो वहाँ पर हमने एक जोक पढ़ा हुआ था, लेकिन उसका जो एक एक मोरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं ना कि इस कहानी का मेन सीख क्या है, अब समझ में आता है। हमने एक जोक हमें सुनाया गया था एक कि यार एक दिन ना रॉकेट और एरोप्लेन हवाई जहाज़ में ना एक बाजी लगती है क्या कौन ज़्यादा तेज भाग सकता है। ओके, तो रॉकेट और एरोप्लेन में रेस हो रही है, होती है, जिसमें कि एरोप्लेन और रॉकेट भाग रहे हैं। चलो ये अब आप ये सवाल मत कीजिए कि रेस कहाँ हो रही है, चलो कहीं भी हो रही है, चलो हम लोग मान लेते हैं कि रेस हो रही है। तो उसमें एरोप्लेन भाग रहा है आगे आगे, रॉकेट भी भाग रहा है, क्योंकि देखो रॉकेट को स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है, और एरोप्लेन चलो लॉन्च हो गया, टेक ऑफ किया, वो आगे बढ़ रहा है। फिर जब हम लोग रॉकेट को फायर करते हैं तो आपको मालूम है कि रॉकेट बहुत ज़्यादा ट्यूब वेग से भागता है, तो इसमें रॉकेट जीत जाता है। ऑब्वियस बात है रॉकेट जीत जाएगा, आप सबको जानकारी है कि रॉकेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है हवाई जहाज़ के कंपेयर में। तो अब हवाई जहाज़ को ये जिज्ञासा होती है यार रॉकेट की स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे है, तो उसे सवाल करता है अरे भाई तेरा स्पीड इतना ज़्यादा कैसे है, तुम्हारी चाल इतनी ज़्यादा कैसे है। तो रॉकेट का जवाब सुनिएगा, रॉकेट ये कहता है कि भाई जब पिछवाड़े में आग लगती है ना तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। और ये हमारे साथ भी है, जब हमारे दिल में हमारे जिगरे में ना अपने लक्ष्य को पाने की आग लग जाती है ना बच्चे, तो भी हमको कोई रोक नहीं पाता, तब हमारी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बस क्या करना है, आपको अपने अंदर आग जलाना है, यही तो है। देखो सब कुछ हमको सिखाने बैठे हुए हैं, हमको बस सीखना होता है, कहीं से भी हम सीख सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सर टी जीरो पे हम बात करते हैं, रॉकेट का द्रव्यमान एम जीरो है, उसका वेग वी जीरो है, और क्षण जो है इंस्टेंट टी पर उसका जो द्रव्यमान है एम है और उसका वेग वी हो जाता है, और इस क्षण पर हम बात कर रहे हैं वी जी, वेलोसिटी ऑफ गैस, गैस जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। तो समझिएगा यहाँ पे जो एम नॉट है जो कि रॉकेट का द्रव्यमान है क्षण टी जीरो पर, इस वाले द्रव्यमान से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसके अंदर जो ईंधन वो जलता जा रहा है, तो इस क्षण तक आते आते कुछ ईंधन जल गया होगा, तो इस क्षण पे जो रॉकेट का द्रव्यमान होगा इस द्रव्यमान से कम होगा, लेकिन वेग बढ़ता जाता है। यानी कि इस क्षण पे जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ का जो वेग है वी इस वाले वेग से ज़्यादा होगा, वी नॉट। क्लियर है बच्चे ये?
और यहां पर क्षण टी पर ये जो गैसें नीचे से निकल रही हैं जेट नली से नोजल से, उसकी जो चाल है, उसका जो वेग है वीजी, हमने लिया है वीजी, जो कि आपको बताया गया कि जो नियत दर से है ना, आपको बताया गया ना ये कि जो नीचे हम लोग ईंधन के चाल की बात करें, गैसें जिस रेट से निकलती हैं, जिस वेग से निकलती हैं, उसको हमने नियत बना रखा है, यानी उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वीजी से ही निकलती रहेंगी। और अब हम बात करते हैं इसके बहुत ही अल्प समय के बाद, यानी कि डेल्टी डीटी या डेल्टी समय के बाद, डीटी ले लिया है यहाँ पर हमने, तो डीटी समय के बाद क्या होगा, अब हम लोग बस इस क्षण और इस क्षण पे हम देखेंगे कि इस क्षण पे क्या चीज़ें हैं, और इसके अल्प समय के बाद, बहुत ही कम समय के बाद जब इसमें डीटी समय जुड़ जाता है तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर क्षण टी पर रॉकेट का द्रव्यमान है एम, उसका वेग है वी, और नीचे जो गैसें निकल रही हैं उनका जो वेग है वो है वी जी। और देखिए जो भी वेग है वो भी वो ढलती के सापेक्ष है, रॉकेट का वेग वी ढलती के सापेक्ष है, पृथ्वी के सापेक्ष है, और ये जो वी जी है जो कि गैस का वेग है, ये भी हमने अभी पृथ्वी के सापेक्ष ही लिया है। इसके कुछ समय के बाद मान लेते हैं कि टी और, अच्छा मुझे सारी चीज़ें लिख देनी चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, जब एक पीडीएफ मिले तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये आपको एक कंप्लीट नोट्स के फॉर्म में मिलता है, जो भी हम यहाँ पे नोट्स बनाते हैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं इसको प्रॉपर वे में एक नोट्स बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स में ये सिलेबस है भी नहीं, और किसी किसी स्टेट के सिलेबस में ये है, तो नोट्स इसका मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए हम लोग इसको प्रॉपर वे में एक नोट्स बनाएंगे। तो पहले हम लिखते हैं माना, माना क्षण टी जीरो पर रॉकेट का द्रव्यमान, और जब हम रॉकेट का द्रव्यमान बोल रहे हैं तो इसमें रॉकेट का द्रव्यमान भी आ जाएगा और इसके अंदर जो ईंधन है वो भी आ जाएगा। रॉकेट का द्रव्यमान एम जीरो तथा वेग वी जीरो है, ओके बच्चे। और चलिए हम आ जाते हैं इस क्षण पर, क्षण टी पर रॉकेट का द्रव्यमान, रॉकेट का द्रव्यमान एम तथा वेग वी हो जाता है, वी हो जाता है। और आपको मालूम है कि इसके अंदर जो है ईंधन जल रहा है, और वही ईंधन जलकर गैसें उत्पन्न कर रहा है जो कि नीचे की ओर निकल रही हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पर हमने इस गैस के वेग को नहीं लिया, माना गैस का वेग वीजी है, जो गैसें निकल रही हैं उसका वेग वीजी है, और ये दोनों ही चीज़ें अभी पृथ्वी के सापेक्ष हैं, बता चुका हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और, जो m होगा ये m नॉट से कम होगा, जो v होगा वो v नॉट से बड़ा होगा, द्रव्यमान कम हो रहा है और वेग बढ़ रहा है। और अब हम बात करते हैं माना क्षण टी और टी प्लस डी टी, माना की क्षण टी और टी प्लस डी टी के डी टी में ये जो क्षण है और ये जो क्षण है इसके बीच में जो समय है, माना टी और टी प्लस डी टी में डी एम द्रव्यमान का ईंधन जल जाता है, यानी इसके अंदर जो ईंधन है उसका कितना भाग, उसका डीएम द्रव्यमान जल जाता है, और डीएम के जलने से अब रॉकेट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अब रॉकेट का द्रव्यमान हो जाएगा एम माइनस डीएम, अब रॉकेट का द्रव्यमान है एम माइनस डीएम, और उसका वेग बढ़ के हो जाता है वी प्लस डीवी, ओके बच्चे। तो एम यहां पर द्रव्यमान एम है, और इसमें से देखिए रॉकेट का जो द्रव्यमान है क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो ईंधन है वो जल के गैस के फॉर्म में निकल जा रहा है, तो जो भी कमी आएगी वो ईंधन के द्रव्यमान में कमी के आने के कारण होगी।
हम यह मानते हैं कि टी और टी प्लस डी टी समय अंतराल में डीएम द्रव्यमान का ईंधन जल जाता है, जिससे कि उसका द्रव्यमान अब कितना हो जाएगा, एम माइनस डीएम हो जाएगा, वेग बढ़कर वी प्लस डीवी हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अब इस क्षण पे, इस क्षण पे उसका द्रव्यमान एम है, वेग वी है, इस क्षण पे उसका द्रव्यमान एम माइनस डीएम है और वेग वी प्लस डीवी है, लेकिन अभी भी जो गैस का वेग है वो वीजी है, क्योंकि उसको हमने नियत रखा हुआ है। क्लियर है ये? और चलिए हम जानते हैं कि रॉकेट नोदन यानी कि रॉकेट प्रपल्सन संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो अब हम लगाएंगे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से देखिए हमारे पास दो क्षण है, एक क्षण है टी और एक क्षण है टी प्लस डी टी। तो इस वाले क्षण पे इस निकाय का जो संवेग होगा और इस वाले क्षण पे निकाय का जो संवेग होगा, कुल संवेग, वो दोनों बराबर होना चाहिए। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जितना संवेग यहां पर है इतना संवेग यहां पे भी होना चाहिए। तो लिखते हैं क्षण टी पर निकाय का संवेग, निकाय का संवेग, क्षण टी पर निकाय का संवेग बराबर, अच्छा निकाय में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, रॉकेट प्लस ईंधन ना, रॉकेट प्लस ईंधन और क्षण टी प्लस डी टी पर निकाय का संवेग, निकाय का संवेग, क्षण टी प्लस डी टी पर निकाय का संवेग, वहां पर भी निकाय के से हमारा तात्पर्य रॉकेट प्लस ईंधन से ही है, रॉकेट प्लस ईंधन। हमारे निकाय में दो चीजें हैं, रॉकेट और ईंधन। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इस वाले क्षण पर कुल संवेग कितना होगा, द्रव्यमान एम है और वेग वी है, तो ये हो जाएगा बच्चे एम इंटू वी बराबर। और देखिए इस वाले से कहां गया बच्चे, इस वाले क्षण से जब इस वाले क्षण पहुंचेंगे तो अभी जो रॉकेट है उसका द्रव्यमान तो है एम माइनस डीएम, ठीक है बच्चे, एम माइनस डीएम, और इसका वेग है वी प्लस डीवी, तो ये हो गया रॉकेट का संवेग, एम माइनस डीएम वी प्लस डीवी। लेकिन इस क्षण से इस क्षण पर तक आने पर क्या हुआ है, जो डीएम द्रव्यमान का ईंधन है वो गैस के रूप में बदल गया है, तो उस द्रव्यमान का भी तो संवेग लेना पड़ेगा। तो डीएम और माइनस वीजी क्यों लिखा है, क्योंकि ये वेग नीचे की ओर है, ऊपर वाले वेग को आप प्लस ले रहे हैं तो नीचे वाले वेग को आपको माइनस लेना पड़ेगा। अब इसको हल करते हैं, एम इंटू वी बराबर एम इंटू वी प्लस एम इंटू डी वी माइनस वी इंटू डी एम माइनस डी एम डी वी माइनस वी जी डी एम, लिख देते हैं वी जी डी एम। क्लियर बच्चे? कुछ तो कटेगा, क्या क्या कटेगा देख लीजिए, एम वी कट गया और माइनस वी डी एम है, देखो ये तो बहुत ही नगण्य हो जाएगा, डी एम डी वी ये बहुत अल्प होता है, ये भी बहुत अल्प है, तो अल्प में अल्प का इंटू करेंगे तो अत्यंत अल्प हो जाएगा, तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं, इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो बचा क्या, अब आपके पास इधर जीरो बच गया है, इधर एम डी वी बच गया है, इधर माइनस वी डी एम बच गया है और माइनस वी जी डी एम बच गया है, इसको हमने नगण्य मान लिया है। ये क्या है बच्चे, इसको हम लिख देते हैं ये नगण्य है, नगण्य, नेग्लेजिबल है, हटा दीजिए उसको। और अब इसको मैं ढला रहा हूँ तो ये हो जाएगा एम डी वी इज इक्वल टू माइनस आएगा, इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस वी प्लस वी जी, माइनस माइनस आपने कॉमन निकाल लिया है, वी प्लस वी जी हो गया और डी एम भी यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो ये ऐसा हो जाएगा और ये माइनस माइनस कट गया, तो ये आ गया आपके पास एम डी वी इज इक्वल टू। अब ये देखिए वी प्लस वी जी क्या है, जैसा समझने वाली बात है,
वी जो है वो रॉकेट का वेग है जो कि ऊपर की ओर है, वीजी जो है वो गैस का वेग है जो कि नीचे की ओर है, और ये दोनों ही वेग अभी किसके सापेक्ष है, यहां से मैं देख रहा हूं पृथ्वी के सापेक्ष है। ये वी रॉकेट का वेग है पृथ्वी के सापेक्ष, वीजी किसका वेग है बच्चे, वीजी गैस का वेग है पृथ्वी के सापेक्ष। मैं क्या काम करता हूं, मैं इस गैस का वेग ले लेता हूं इस रॉकेट के सापेक्ष, क्योंकि दोनों ही विपरीत दिशा में, दोनों जुड़ जाएंगे जो कि यहां पे जुड़ गए हैं, तो इन दोनों को मैं एक नाम देता हूं यू का, और ये हो जाएगा डीएम। तो बच्चे यू क्या है, यू बराबर यहां पर हमने लिया है वी प्लस वी, वी बराबर यू बराबर वी प्लस वी जी, और ये है क्या, ये है गैस का वेग रॉकेट के सापेक्ष, रॉकेट के सापेक्ष, गैस का वेग रॉकेट के सापेक्ष, या अभी आप ऐसा भी लिख सकते हो रॉकेट के सापेक्ष गैस का वेग, यू बराबर वी प्लस वी जी। लेकिन ये जो गैसें हैं वो रॉकेट के सापेक्ष, रॉकेट जा रहा है ऊपर, गैसें आ रही है नीचे, ये है वी ये है वी जी। रॉकेट के सापेक्ष भी अगर देखा जाए तो गैसें नीचे ही आ रही है ना, और नीचे वाले वेग को हमने ऋणात्मक लिया है, ऊपर वाले वेग को धनात्मक लिया है, नीचे वेग को ऋणात्मक लिया है, तो अभी भी तो गैसें जो है रॉकेट के सापेक्ष भी नीचे ही आ रही हैं, तो अभी भी हम इसको क्या लेंगे, चिन्ह को माइनस ही लेकर चलेंगे, और ये समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितनी भी चीजें हम आगे प्राप्त करेंगे यहीं से प्राप्त करेंगे, एम डी वी बराबर माइनस यू डी एम, और इसको मैं नाम दे रहा हूं समीकरण नंबर एक का। ठीक है, यू बराबर क्या है बच्चे, यू बराबर है वी प्लस वी जी, गैस का वेग रॉकेट के सापेक्ष। चलिए आगे चलेंगे अब, और अब हम निकालेंगे किसी भी क्षण पर रॉकेट के वेग, रॉकेट का वेग, किसी भी क्षण पर रॉकेट का वेग हम लोग निकालेंगे। तो हमको मिला हुआ है समीकरण नंबर एक जो कि है एम डी वी बराबर माइनस यू इंटू डी एम, और ये हो गया डी वी इज इक्वल टू माइनस एम सॉरी यू बाई एम होगा ना, इधर जाके भाग हुआ तो डीएम, ये डीवी है, हमको वेग चाहिए, तो चलिए हम इसका समाकलन कर देते हैं, तो डीवी समाकलन माइनस तो पहले से बाहर आ जाएगा डीएम, लिमिट लगा सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि प्रारंभिक में रॉकेट का वेग रहा है वी जीरो, तब इसका द्रव्यमान रहा है एम जीरो, और कहाँ से कहाँ गया है ये, इसका वेग वी जीरो से क्या हो गया बच्चे, वी हो गया है, इसका द्रव्यमान एम जीरो से एम हो गया है। ठीक है, देखो अभी भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये प्रारंभिक वेग है, हम ये बोल रहे हैं किसी भी क्षण पर, एक जो प्रारंभिक हमारा एक इनिशियल टाइम है, हम ये नहीं बोल रहे कि रॉकेट जीरो है या रॉकेट विराम में है तब की बात कर रहे हैं, हम बाद में उसकी बात करेंगे, अभी हम किसी भी क्षण पर ले रहे हैं, उसका वेग वी जीरो है, और उसका वेग वी जीरो से जब वी हो जाएगा तो जो द्रव्यमान है वो एम जीरो से एम हो जाएगा, और इसका समाकलन कर लीजिए, अब वन है वन का समाकलन v हो जाएगा, जो चर होता है वही होता है ना, यहां पे जो चर होगा वही होगा, देखिए यहां वन है v के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो इसका समाकलन v आएगा, v जीरो से v चलेगा अपन, और u बाई एम तो कांस्टेंट है वो तो चेंज होने वाला नहीं, नहीं 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 m कांस्टेंट नहीं है, m तो चेंज हो रहा है, u कांस्टेंट है, m तो द्रव्यमान है ना जो कि चेंज हो रहा है, जो बदल रहा है समय के साथ, सो m जीरो से जाएंगे m, और ये है वन बाई एम, और ये हो जाएगा डी एम। अब बताओ बच्चे इसका समाकलन क्या होगा, ये है वन बाई एक्स, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ई एक्स, चलिए लगा लेते हैं फॉर्मूला, इधर लिमिट लग जाएगा वी माइनस वी जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस यू एम जीरो टू एम, इसका समाकलन आ जाएगा लॉग ई एम, कहां से कहां तक जाएगा भाई, ये जाएगा आपका एम जीरो से एम, वी माइनस वी जीरो इज इक्वल टू माइनस यू, और देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए यहां पर, ये हो जाएगा लॉग ई एम माइनस लॉग ई एम नॉट, सो वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस यू। अब ये किस फॉर्म में है बच्चे, ये है लॉग एम माइनस लॉग एन,
और जब log m माइनस log n होता है तो ये फॉर्मूला हो जाता है log m बाई एम नॉट हो जाएगा, m बाई एन हो जाएगा ना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के फिजिक्स नहीं पढ़ा जा सकता, मैथ्स भी नहीं पढ़ा जा सकता। सो v माइनस वी जीरो इज इक्वल टू माइनस यू log e m बाई एम नॉट। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको इसका उल्टा लूंगा, तो v माइनस वी जीरो इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, अभी माइनस यू है, लॉग है e, इसको मैं लिख रहा हूँ एम नॉट बाई एम, तो इसका मैंने व्युत्क्रम लिया है तो इसका पावर माइनस वन हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट में है उसका पावर माइनस वन हो जाएगा। और माइनस वन, अब देखो लॉग एम बाई एन है, उसका इधर पावर होता है तो इधर आगे इंटू होता है, यानी ये प्लस हो जाएगा, और उस कंडीशन में आपको मिलेगा v माइनस वी जीरो इज इक्वल टू यू लॉग ई एम जीरो बाई एम। ठीक है बच्चे, तो अब देखो मैं फाइनल आंसर लिखने वाला हूं, v बराबर हो जाएगा v जीरो प्लस यू लॉग ई एम जीरो बाई एम। ठीक है बच्चे, ये हो गया v इक्वल टू वी जीरो प्लस यू लॉग ई एम जीरो बाई एम, इतना क्लियर है बच्चे। और अब मान लो कि रॉकेट का जो प्रारंभिक वेग है, माना रॉकेट का प्रारंभिक वेग इसी को तो हमने प्रारंभिक लिया है ना, अगर ये जीरो हो तो, माना रॉकेट का प्रारंभिक वेग v जीरो इक्वल टू जीरो हो तो यहां पे आपको v बराबर मिल जाएगा v जीरो तो जीरो हो गया, v जीरो तो जीरो हो गया, ये हो जाएगा u log e m जीरो बाई एम। ये था बच्चे, ये ठीक है, ये उसका प्रारंभिक द्रव्यमान है, और जिस क्षण पे आप वेग देख रहे हैं उस क्षण का ये द्रव्यमान है, ये है किसी भी क्षण t पर वेग, ये है किसी भी क्षण t पर द्रव्यमान, और ये है प्रारंभिक द्रव्यमान। तो ये हो गया वेग का व्यंजक किसी भी क्षण पर। चलिए आगे बढ़े और बात करते हैं थ्रस्ट यानी कि प्ररोण की। देखिए गैसों के नीचे की ओर निकलने के कारण रॉकेट पर ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे ही हम कहते हैं प्ररोण यानी कि थ्रस्ट। जब नीचे आ रही हैं गैसें बहुत ही ज्यादा वेग से, और उन गैसों के नीचे की ओर निकलने के कारण प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो रॉकेट पर ऊपर की ओर जो बल लगता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि वह बल जो रॉकेट को ऊपर की ओर उठाता है उसे ही हम कहते हैं प्ररोध यानी कि थ्रस्ट। चलिए इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात कर पाएंगे बच्चे, हमारे पास समीकरण नंबर एक है, कहाँ है समीकरण नंबर एक, एम डी वी माइनस यू डी एम, एम डी वी माइनस यू डी एम, क्लियर है ये। और यहां से हम अगर एक काम करेंगे डी टी से भाग दे दें तो ये हो जाएगा एम डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, माइनस यू डी एम बाई डी टी। और अब देखिए यहां पर डी वी बाई डी टी क्या त्वरण होता है, तो क्या इसे हम एम ए लिख सकते हैं, और क्या, अच्छा आपको नहीं पता क्या बच्चे, डी वी बाई डी टी क्या होगा, डी वी बाई डी टी ए होगा, त्वरण होगा, और एम ए तो बल होता है, और उसी बल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, तो इसको हम पूरा एफ लिख सकते हैं, तो एफ बराबर हो जाएगा माइनस यू डी एम बाई डी टी। ये है रॉकेट पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, जिसे हमने नाम दिया है प्ररोध यानी कि थ्रस्ट का, थ्रस्ट ही है जो रॉकेट को ऊपर की ओर उठाता है। एफ इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, जो किसके गुणनफल के बराबर है, ये है डी एम बाई डी टी, यानी कि ये है ईंधन के जलने की दर, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ द फ्यूल डी एम बाई डी टी, और ये है आपका किसी भी क्षण पर, हालांकि ये नियति है, ये है गैस का वेग रॉकेट के सापेक्ष। चलिए तो आप देखते हैं कि जो थ्रस्ट है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, जो कि देख लिए सबसे पहले किसके समानुपाती है बच्चे, डी एम बाई डी टी का मान अधिक होना चाहिए,
अर्थात ईंधन के दहन की दर अधिक होनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा थ्रस्ट चाहिए, ज्यादा प्रणोद चाहिए रॉकेट पर ऊपर की ओर, तो डीएम बाई डी टी यानी कि ईंधन के जलने की जो दर है, ईंधन के दहन की जो दर है वो अधिक होना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा ईंधन जलाना पड़ेगा कम से कम समय में, तभी तो दहन की दर ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा प्रणोद चाहिए उतना ज्यादा रेट होना चाहिए आपके फ्यूल के बर्निंग का, यानी कि ईंधन के दहन की दर ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरा देखिए किस पर निर्भर कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है यू के मान पर। यू जानते हैं आप क्या है, यू का मान तो अधिक होना चाहिए, अर्थात गैस को अधिकतम संभव चाल से रॉकेट से बाहर की ओर निकलना चाहिए, और इसी के लिए हम वहां पर नोजल सिस्टम यूज करते हैं ताकि गैसें बहुत तीव्र वेग से नीचे की ओर निकलें, क्योंकि गैसों का वेग जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपको वहां पर थ्रस्ट प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ें, और अब हम लोग याद कर लेते हैं किसी भी क्षण पर त्वरण, किसी भी क्षण पर रॉकेट का त्वरण, किसी भी क्षण पर रॉकेट का त्वरण, जो कि हम ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर तो देखिए एम डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस यू डीएम बाई डी टी, ये डीवी बाई डी टी ही तो क्या है बच्चे, डीवी बाई डी टी ही तो ए है। तो अगर मैं एम को ले जाकर उधर भाग दे दूं तो मुझे मिल जाएगा। अगर फिर से करना तो फिर से कर सकते हैं, समीकरण नंबर एक है हमारे पास, हम जानते हैं कि एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम है, क्यों ना डी टी से भाग दिया जाए तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा, माइनस यू डी एम बाई डी टी हो जाएगा, और अब यही डी वी बाई डी टी तो त्वरण बन जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं एम इंटू ए इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, और अब अगर मुझे केवल और केवल त्वरण चाहिए तो ए इज इक्वल टू माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी हो जाएगा। ये है त्वरण, ए इज इक्वल टू माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी, ये किसी भी क्षण पर रॉकेट का त्वरण है। चलिए चले, तो ये था रॉकेट प्रपल्सन जो कि संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, और इस वीडियो लेक्चर में हमने उसके वेग के लिए, उस पर लगने वाले प्रणोद के लिए और उसके त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त किया है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।